दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उड़ीसा में 11 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना, जाने अन्य राज्यों के मौसम का हाल। तो दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद वेल आइकन दबाकर आल पर जरूर क्लिक कर दें। आप कमेंट करके बताएं ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। उड़ीसा में 13 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के कारण उड़ीसा में 13 सितंबर तक भारी बारिश होने के आसार हैं। IMD ने यह जानकारी दी है। उत्तर मध्य प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा तट से दूर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल पर सक्रिय प्रणाली से उड़ीसा में तेज बारिश होने का पूर्व अनुमान है। IMD ने 13 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और 11 सितंबर को दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में इन जगहों पर बारिश का अलर्ट IMD ने मुंबई, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतरा, उस्मानाबाद में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ बिजली, हल्की से मध्य बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान जताया। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के 14 सितंबर तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। IMD ने सोमवार तक गंगेय पश्चिम बंगाल में 12 से 14 सितंबर तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल भारी बारिश गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई है। राजस्थान के कई इलाके में हल्के से मध्य बारिश, राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में कई जगह हल्की से मध्य दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। जयपुर के मौसम केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोटा, झालावाड़ा, बांसमांडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर, नागौर और चुरू में जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्य दर्जे की बारिश हुई। सार्वजनिक 48 सेंटीमीटर बारिश झालावाड़ा में, पच पहाड़ में दर्ज की गई। हल्की बारिश होने से लोगों को उमस से कुछ राहत, दिल्ली में कुछ देर हल्की बारिश होने के लोगों को उम्मीद से कुछ राहत मिली है। नगर, JTB नगर, विजय नगर, सिविल लाइन्स, दिलसाद गार्डन, सीमापुरी, कश्मीरी गेट जैसे इलाके में हल्की से मध्य दर्जे की बारिश हुई। कहीं कहीं भारी बारिश, 12 सितंबर को झारखंड के उत्तरी, राजधानी आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 12 सितंबर को राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र पूर्व अनुमान किया है कि 14 और 15 सितंबर को करीब करीब पूरे राज्य में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर